स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। हाय, आप मुझे देख के चौंक क्यों गई? आप नहीं जानती थी कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? यानी आपको किसी ने बताया ही नहीं? यानी ये मुलाकात आपकी मर्जी के बगैर तय की गई थी, राइट? I can't believe this. आपके घर वालों ने तो हमारा मिलना तय किया था, तो उन्होंने आपको बताया क्यों नहीं? ओह, उन्होंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर आपको पता होता तो शायद आप मना कर देते, है ना? ओके, इन दैट केस मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। नहीं सुनिए, प्लीज मत जाइए। देखिए, आप पिछली बार भी नाराज होकर चले गए थे, आपको लगा शायद मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो मैं फिर क्या बात है जी? वो पिछली बार मैं आप घबरा गई थी। मैं समझ सकता हूँ, घबरा तो मैं भी गया था। आई मीन अरेंज मैचेस, रिश्तेदार, लड़के वाले, लड़की वाले, ये सब बहुत अजीब सा होता है ना, आप समझ रही है ना? लेकिन पिछली बार तो आपने कोई बात ही नहीं की। मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया था, सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शादी ही नहीं करना चाहती और घर वालों के दबाव में आके कुछ कह नहीं पा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है ना? ओके गुड, मुझे भी ऐसे लगा था कि पिछली बार शायद आप घबरा गई थी, इसलिए तो मैंने माँ से कहा कि मुझे आपसे एक बार और मिलना है। एंड यू कैन इमेजिन मेरे ऐसे कहने से क्या हुआ होगा, घर वाले तो चौंक गए थे, उन्हें लगा कि लड़का पागल हो गया। ऐसा नहीं होता है ना? लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं कोई भी जवाब देने से पहले आपसे एक बार और मिलूं। आई होप आपको बुरा तो नहीं लगा। थैंक गॉड, माँ कह रही थी कि शायद आपके घर वाले ना माने, और फिर हमारी भाभी माँ भी तो बहुत पुराने ख्यालात की हैं, बट यू नो वो दोनों मुझे बहुत चाहती हैं, दे लव मी अ लॉट। भाभी माँ तो दादाजी से कभी कुछ नहीं छिपाती, लेकिन मेरी खातिर उन्होंने ये बात छिपाई। एक बात कहूँ, ये बिल्कुल पिछली बार जैसे हो रहा है, मैं बोलते जा रहा हूँ और आप कुछ नहीं कह रही। जी वो मैं ऐसे में समझ ही नहीं पाती कि क्या बोलूं और क्या। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम कुछ और बात करते हैं। आपको फिल्में देखनी पसंद है ना? अच्छा तो बताइए आपका फेवरेट हीरो कौन है? अच्छा चलिए फेवरेट हीरो नहीं बता दीजिए, मुझे तो कटरीना बहुत अच्छी लगती है, शी इज द प्रीटीस्ट, है ना? मुझे नहीं लगता। ऑफ कोर्स
पूरी दुनिया मानती है कि कैटरीना पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सुंदर हीरोइन है। दुनिया कुछ भी माने, लेकिन मुझे लगता है ऐश्वर्या सबसे ज्यादा सुंदर है। ऐश्वर्या ठीक ठीक है, लेकिन कैटरीना से कोई मुकाबला नहीं है उसका। ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐश्वर्या सबसे ज्यादा सुंदर है और एक्टिंग भी अच्छी कर लेती है। फिल्मों में हीरोइन एक्टिंग करती कहाँ है, बस दो चार सीन में रोमांस करो, दो चार गाने गाओ और आंसू बहाओ। एक्सक्यूज मी, यस, आप क्या सोचते हैं, टैलेंटेड सिर्फ हीरोज होते हैं? इज दैट अ क्वेश्चन? हाँ, आई मीन सारी दुनिया जानती है कि फिल्में हीरो की वजह से चलती हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधे लोग अगर हीरोज को देखने जाते हैं तो आधे लोग हीरोइंस को भी देखने जाते हैं। ओह रियली? वैसे आपको कौन सी पिछली फिल्म याद है जो हीरोइन की वजह से चली हो? और आपको ऐसी कौन सी फिल्म याद है जिसमें हीरोइन नहीं हो और वो फिल्म हिट हुई हो? हाँ बहुत, चक दे। उसमें एक नहीं 11 हीरोइंस थी। ओके फाइन, लेकिन अगर उन 11 में से एक भी कैटरीना होती तो वो फिल्म ऑस्कर जरूर जीतती। और अगर ऐश्वर्या होती ना तो ऑस्कर के साथ साथ दुनिया के सारे अवार्ड्स मिल जाते। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। हम इस बेकार की बहस में पड़े क्यों रहे? और आप मान क्यों नहीं लेती कि कैटरीना ऐश्वर्या से बेटर है? आप क्यों नहीं मान लेते? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।